बारिश हो रही है यहाँ पे आज, और मैं क्या करूँ अच्छा है, मौसम अच्छा लग रहा है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और सही है। बट आज मुझे वैक्सीन लेने जाना है और इसके बारे में मैं कैसे जाऊँ मुझे पता नहीं। तो इतनी मुश्किल से मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, इतना टाइम लग के मुझे मिल गया आज का स्लॉट। एंड तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग बनाऊँ आज जब मैं जाऊँ। तो या अगर आप यहाँ नए हैं तो हाय, मैं निशु हूँ और मैं चैनल पर स्टडी ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ और लाइफ स्टाइल ब्लॉग भी बनाती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। गाइस मैं अभी दूध लेके आई हूँ और मतलब मैं जब निकल रही थी तो थोड़ी बारिश हो रही थी और अभी इतनी तेज़ हो रही है, देख सकते हो अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। और मतलब मेरा पूरा लोअर भीग गया है और आधा टी शर्ट भी, इतनी तेज़। और आज मुझे रिवर क्या सॉरी क्या था रेन और मैन वाला जो हम प्रॉब्लम करते हैं कैंथमेटिक, उसका बहुत बढ़िया वाला फीलिंग आ गया है। जितना स्पीड चले उससे उतना ही तेज़ तेज़ बारिश गिरती है, उतना ज़्यादा भीगते हैं। मैंने कहा वाह, यही है मतलब कैसा हो रहा है। तो अभी मैं अपना मतलब पापा ने मुझे कॉल करके बोला कि ब्रेकफास्ट करके जाओ थोड़ा, तो मैंने सोचा कि मतलब कुछ हेल्दी खा लूँ, तो ओट्स बना के खा लूँगी। एंड अभी का वक्त हो रहा है ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं और मेरा स्लॉट मिला है मुझको 10 बजे से 4 बजे के बीच, तो मैं मॉर्निंग आवर्स में ही जाना चाहूँगी। तो देखती हूँ ओला बुक करूँगी या कुछ, तो उसके बाद कुछ करते हैं। तो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। गाइस मैं बस ओट्स बनाने जा ही रही थी, मैं बस इंडक्शन ऑन कर रही थी और लाइट कट गया। बस मेरे साथ इतना मजाक क्यों होता है, मतलब क्यों मैं इतनी ज़्यादा अनलक्की महसूस करती हूँ ना कभी कभी, कुछ क्योंकि मेरे साथ ही क्यों होता है ये। आई एम लाइक चल क्या रहा है भाई साहब। ओके अब मुझे वेट करना होगा कि बारिश ख़त्म हो, मतलब नॉट बारिश ख़त्म हो, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा ख़त्म हो और फिर लाइट आए एंड देन ही मैं इसका ब्रेकफास्ट भला पाऊँगी। भगवान कुछ तो भला करो मेरे साथ। ओके थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो गाइस रेडी हो गई हूँ मैं और ब्रेकफास्ट वगैरह डन हो गया है। मैं ओला बुक करने की कोशिश कर रही हूँ बहुत देर से, बट यहाँ मिल नहीं रहा है अभी ओला, और तो मैं ऐसे निकल रही हूँ। अब देखती हूँ कि वहाँ बाहर जाके कुछ मिल जाए, ऑटो वगैरह या कोई कैब, तो फिर चलेंगे। तो मैं निकल रही हूँ अब। तो मैं बाहर आ गई हूँ। एक्चुअली मुझे ओला मेरे घर पे से तो नहीं मिल रहा था, यहाँ थोड़े मार्केट एरिया में आके मुझे मिल रहा है। तो 6 मिनट में ओला आ जाएगा, उसके बाद फिर चलते हैं। फाइनली लग गया वैक्सीन मुझे और पेन नहीं हुआ है। मुझे लग रहा था कि पेन होगा बट नहीं हुआ, थैंक गॉड। फिर अब जाते वक्त मिलती हूँ आप लोगों से।
बाल भी गीले हैं अभी, और ये हाथ थोड़ा थोड़ा सा दर्द कर रहा है जहाँ पे वैक्सीन दिया गया है। और मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट में ओट्स खा के गई थी मैं, और अभी मैंने कोई लंच भी नहीं बनाया अपने लिए, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा कुछ बनाने का। मैं क्या खाऊँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं मैगी बना के खा लूँ थोड़ी देर, मतलब फ़िलहाल मैं रेस्ट करूँ क्योंकि बहुत थक गई हूँ। मतलब इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है, मैं क्या बताऊँ, पूरा भीग गई थी। और मतलब कि गाड़ी से जाने के बाद भी जो सेंटर के अंदर जाते जाते तक मैं बहुत ज़्यादा भीग गई क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हुई है। एंड देखो अभी मैं घर आ गई हूँ तब अब कोई बारिश नहीं हो रही। अजीब ही है मतलब सब कुछ, क्या ही बताऊँ। तो फिर देखते हैं अभी क्या करना है। तो देखो गाइस अब बिल्कुल ही बारिश नहीं हो रहा है, मौसम फ्रेश हो गया है, आसमान में बादल है बट फिर भी बेटर हो गया है। और देख ही रहे हो बारिश अब रुक गई है, पूरा फ्रेश हो गया मौसम, बस मुझे भिगाने के लिए बारिश हो रहा था ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि मैं पूरी ख़तरनाक तरीके से भीग गई हूँ। आई एम लाइक मुझे वैक्सीन की वजह से फ़ीवर आए ना आए, भीगने की वजह से ज़रूर फीवर आ सकता है। एंड बट ठीक है अभी तो ठीक ही लग रहा है, देखते हैं रात तक, आई होप कुछ नहीं हुआ वरना फिर पढ़ाई और डिस्टर्ब हो जाएगा। आज तो मैं पढ़ भी नहीं पाई हूँ। और अभी मैं लंच में मैंने सोचा पहले मैगी खा लूँ बट फिर मैंने सोचा कि यार मैगी बहुत अनहेल्दी होगा और थोड़ा ठीक सा कुछ खाना चाहिए, तो मैंने सोचा कि जल्दी से फ्राई राइस बन सकता है। तो राइस मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है और फ्राई राइस बनाऊँगी मैं एंड फ्राई राइस खाऊँगी। सो गाइस पापा का कॉल आया अभी एंड उन्होंने कहा कि अगर फीवर वगैरह आता है तो मेडिसिन ले लेने के लिए, तो ये मेडिसिन पैरासीटामोल लेके रखा है मैंने। और ये मेरा हाथ तो पेन हो ही रहा है, मतलब काफ़ी मतलब पेन हो रहा है, ढंग का ही पेन हो रहा है। और ऐसे फीवर वगैरह आ सकते हैं, तो इसके लिए अभी मैं जो है थोड़ा सा ऐसे ही घूम फिर रही हूँ, फिर देखती हूँ क्या करना है। गाइस एक अपडेट था मेरी तरफ से, अब बहुत से लोग मेरे चैनल पे चैलेंजेस स्टडी चैलेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं कोई स्टडी चैलेंजेस नहीं लूँगी, मैं अपना रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ अच्छे से और टेस्ट देने वाली हूँ, तो मुझे अब नहीं लगता कि मैं कोई चैलेंज अभी फ़िलहाल से कर पाऊँगी। बट मैं डेली शायद अपलोड भी ना करूँ तो मेरे वीकली व्लॉग ज़रूर आएंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली वो थर्सडे को ही आएंगे शाम 6 बजे। तो ये मुझे आपको बताना था एंड आई होप कि आपको मेरे वीकली व्लॉग्स पसंद आए। सो गाइज मैंने अभी लंच कर लिया है और ये हाथ देखो मैं ऊपर कर रही हूँ तो दर्द कर रहा है, और अब मैं सोने ही जा रही हूँ। और आई डोंट फील कि मैं आज कुछ प्रोडक्टिव सा आपको दिखा पाऊँ, जैसे कि मैं हमेशा वीडियो में स्टडी व्लॉग्स या कुछ भी थोड़ा बहुत प्रोडक्टिव होने की कोशिश करती हूँ। तो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं एंड आई होप आपको ये मेरा नॉर्मल व्लॉग्स अच्छा लगा हो। और मुझे ज़रूर से बताना कि मतलब क्या मैं नॉर्मल मतलब ऐसे कभी कभी व्लॉग्स बनाऊँ, क्या आपको पसंद आता है, मतलब स्टडी व्लॉग नहीं ऐसे नॉर्मल व्लॉग्स जो होते हैं, नॉर्मल डेली लाइफ व्लॉग, अगर ऐसा अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी बनाऊँगी, तो मुझे ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।